लफ्ज में इतने खुश दिखने वाले इस शादीशुदा जोड़े के कमरे में एक गैर मर्द क्या कर रहा था? क्या इसे ये इजाजत पति ने दी थी या फिर पत्नी ने, या फिर इस खेल के पीछे कोई और ही था? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह, सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर कौन सा पति अपने बिस्तर और अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ बांटना चाहेगा? क्या यह इस दंपत्ति की मजबूरी थी या फिर कोई गहरी साजिश थी? अब साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि वो बच्चा किसका था, क्या था रहस्य इस अजीबोगरीब घटना? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ समय पीछे। वाओ, अब नाउ आई एम इंप्रेस्ड। तो बीवी को खुश करना चाहते हैं मिस्टर राहुल खुराना? वेलकम टू योर न्यू हेवन मिसेस सुगंधा खुराना। थैंक यू सो मच फॉर दिस हेवन। वैसे कितने पापड़ बेलने पड़े हमें इसके लिए। वैसे तुम्हारे पापा अब तक नाराज है ना मुझसे, कैसी हवाएं उड़ी पड़ी थी उनकी कन्यादान के समय। वैसे तुम्हारी माँ भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, उनकी साड़ी का रंग ज्यादा लाल है या मुंह पता ही नहीं चल रहा था। चलो अभी क्या, चलो तो सही, क्या दिखाना चाहते हो बोलो ना, मैं गिर जाऊंगी। मैं हूं ना, चलो 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 संभल के। अच्छा अब मैं आंखें खोल रही हूं। नहीं रुको, अरे बस हो गया, आई कांट वेट। अरे दो सेकेंड बाबा। तुम ना, ये है हमारा रूम। वाओ, क्या है? अबे राहुल बाहर निकल, अरे भाई पार्टी चाहिए। आया यार पार्टी, लगता है दोस्तों को बियर पिलानी ही पड़ेगी। जा मैं एक घंटे में। राहुल भी ना फोन भूल गया, हाउ टिपिकल। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस शादी में वैसे ही इतना नुकसान हो गया है कि अब हम और पार्टी क्या दें? बहू को तो लक्ष्मी तब कहते हैं जब वो लक्ष्मी खुद साथ लाए। ये लड़की तो जैसे हमें ही लूटने आ गई हो। इस लड़की ने तो मेरे बेटे को ही फंसा दिया, कुछ रहा ही नहीं अब। यू छुप छुप के मेरी बातें क्या सुन रही थी तू? हाँ, दहेज का एक पैसा तो साथ में लाई नहीं, लव मैरिज का नाम देकर साफ तुम लोग बच गए। माशी आप मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तू जल्द से जल्द दहेज नहीं लाई पूरे 30 लाख रुपए, तब तक तेरी सुहागरात नहीं मनेगी। सुना तूने? सुहागरात, दहेज नहीं देना, ये कहां की रीत है? माँ जी क्या करिए आप, माँ जी! मॉर्निंग माय लव। चाय। आओ अंदर आके बैठो। चाय तो अच्छी है। अरे जरा स्माइल तो कर दो। अरे ये चोट कहां से लगी तुम्हें? वो
मेरा ध्यान नहीं था और दरवाजे से लग गई। जरा ध्यान रखा करो अपना। चाय तो तुम दोनों ने यहीं पे पी ली, अब नाश्ता करने अंदर आओगे या वो भी यहीं भिजवाऊं? माँ आप चलो, हम आते हैं। नमस्ते पंडित जी, आइए। नमस्ते, और सब कुशल मंगल है ना? जी बिल्कुल, आपकी दया है। रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, मैं बस बच्चों को बुला लेती हूँ। राहुल, सुगंधा, आ जाओ बेटा, पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, बैठो। शर्मा जी, ये हमारी बहू सुगंधा है। सुगंधा, ये शर्मा जी है, नारी शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान है ये। जाओ बेटा, आशीर्वाद ले लो उनका। खुश रहो। शर्मा जी, हमारी बहू की भी नाड़ी देख लीजिए। हाँ हाँ जरूर। बधाई हो लक्ष्मी जी, आपके घर में पहली संतान के रूप में लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। लक्ष्मी का आगमन? ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी? इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो मैं हूँ, मेरी बहू है। मुझे तो पोती की बड़ी चाह थी जो मेरा वंश आगे तक बढ़ाए। कुछ उपाय बताइए ना पंडित जी। बहन जी, एक तरीका है हमारे पास। बताइए। आप लोगों को 10 दिन खान पान में कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। वो हम सब कर लेंगे पंडित जी, माँ की खुशी के लिए। आप बस उपाय बताइए। कुछ समय के लिए पति पत्नी को अलग रहना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब संभोग से है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मानता इन सब बातों को, आजकल के जमाने में ये सब। राहुल बस करो बेटा, हमारे घर के पंडित है बेटा, जरा रुको। सुगंधा बेटा, शर्मा जी के बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है, बचपन में जब राहुल बहुत बीमार पड़ गया था तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उस वक्त शर्मा जी ने ही राहुल की जान बचाई है। तब से लेके आज तक हमारे परिवार को पंडित जी पे पूरा भरोसा है। ये जो कहते हैं वो करके देखने में कुछ हर्ज तो नहीं है ना? लक्ष्मी जी, जब योग बनेगा तो हम आपको बता देंगे। जी अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। बहू, मुझे एक पोते की चाह है, बस मुझे एक पोता दे दो जो मेरा वंश आगे बढ़ाए, जो मेरे खानदान का नाम आगे तक ले जाए। माँ जी प्लीज, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। थैंक यू। अरे वासु, you are looking very hot. अरे, thank you very much. शर्मा जी ने कहा है कि अभी तक योग नहीं बनाए। राहुल, तुम अपने कमरे में जा रहे हो ना सोने? जी मैं बस जा ही रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जब तक दहेज के पूरे पैसे नहीं आएंगे तब तक वो नानी बाबा और तुम्हारी माँ हमें एक कमरे में रहने देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी माँ का ही बेटा हूँ, दिनों रात एक कर दूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, लेकिन अब दहेज के रुपए मैं उन्हें लाके दूंगा। और फिर उसके बाद We'll be right back.
अरे कहाँ गायब है तू साले? बस दिनों रात काम में लगा रहता हूँ यार, एक्स्ट्रा टाइम काम करके पैसे कमाऊंगा, मुझे बस दहेज ही दहेज देना है। दहेज? अबे तुझे किसको दहेज देना है? तुझे राहुल चढ़ गई है, एक काम का घर चल। अबे कौन सा घर, घर में वो मेरी धम घुटता है यार मेरा उधर। मेरी शादी को 3 महीने तो हो गए ना, अब तक मेरी सुहागरात नहीं हुई। क्या बोलूं तुझे, मेरी माँ को दहेज चाहिए, मुझे मेरी बीवी। एक लास्ट ड्रिंक मैं बनाता हूँ। राहुल, क्या हुआ राहुल? I'm sorry, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी सुगंधा। राहुल क्या हुआ? मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, मैं हार गया। I'm sorry. चलो राहुल, बहुत याद हो चुकी है। राहुल आराम से। देखो बेटा, अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना तो वो 30 लाख तो देने से रहे, पर से 25 बातें और सुना देंगे वो अलग। माँ इसे दहेज की रकम नहीं, 30 लाख का लोन ही समझो। हम धीरे धीरे काम करके वापस दे देंगे, और राहुल भी तो दिन रात लगा हुआ है। मुझे ना तेरे बाबा से बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ, फिर रहने दो। माँ जी चाय। अरे थैंक यू बेटा जी, इसी की कमी थी। बड़े ही मजेदार लड्डू बनाए हैं तेरी आई ने। जी। अरे बहू, घंटी बजी है, देख तो कौन है। कहाँ थे तुम सारी रात? ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। अरे बहू सुन तो। जी। आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ क्या हुआ अचानक, ये सब चाबी और ये? अरे तू चिंता मत कर, घर की लक्ष्मी ही तो है। पूरा भूले, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। राहुल। हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो मैं माँ के घर गई थी और तेरे बाबा से बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ, फिर रहने दो। अच्छा सुन, मैं ना तुझे 10 लाख तक दे सकती हूँ। अब समझे, ये तुम्हारी माँ की चाल थी हमें अलग रखने के लिए। थैंक यू सू, मुझे ये सब बताने के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। वैसे अब तुम्हें ड्राइंग रूम में नहीं सोना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हम हर रात। अच्छा ठीक है, उठो और पहले जाके अपना हुलिया तो ठीक करो। ना हो, चलो 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 चलो, गो जाओ राहुल। ऐसी बात है, तो फिर तुम ही कर दो ना। इस बार तो मिसेस सिन्हा आपको खाली करवा के ही भेजेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। Your turn? Yeah, sure. मेरी एक चाल। पत्ते तो बहुत गर्म लग रहे हैं। इतने जल्दी? ये लो। तू भी? लो। अब हम दो ही बच गए। हाँ। क्या करना चाहती हो, शो कर ले? अगर तुमने मेरे पत्ते देखे होते ना तो एक और चाल खेलने की हिम्मत नहीं करती। शो ही करवा लो। तो फिर लाओ 10,000। अरे 10,000 तो तब दूंगी जब तुम जीतोगी ना। हाल फिलहाल तो गेम मेरी है।
अच्छा तो फिर ये लो। ओ नो, तू भी ना बहू। ओ बहू। जी माँ जी। अरे बेटा, कल तुझे 25,000 दिए थे ना तिजोरी में रखने के लिए, उसमें से 10,000 लिया। हाँ चलो, टाइम फॉर नेक्स्ट गेम। पैसे कहाँ गए? भाजी वो तिजोरी में तो वो पैसे ही नहीं है। तिजोरी में पैसे नहीं है, लेकिन चाबी तो तुम्हारे पास ही थी ना, फिर पैसे कहाँ जाएंगे? मैंने अंदर ही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? देखा मिसेस सिन्हा, ये हमारे घर का हाल है, बंद तिजोरी में से पैसे गायब हो जाते हैं। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम मेरी बेइज्जती तो मत करवाओ मेरे दोस्तों के सामने। जहां जहां छुपा के रखे है ना, जाओ वहां से जाके ले आओ। हाजी आप मुझे गलत समझ रही, मैंने पैसे नहीं लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? जाने दो लक्ष्मी, घर की बात है, रुपए बाद में ले लेंगे। सॉरी मिसेस सिन्हा। इट्स ओके यार। मन में तसल्ली हो गई तुम्हारी मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा के? क्या समझती हो तुम उसको? बता दे पैसे कहाँ हैं? मैंने नहीं, चोरी की चाबियां तो तेरे पास ही थी ना। अजी मैंने नहीं लिए, और हम दोनों के अलावा कौन आता है यहाँ? तो तू ये कहना चाह रही है कि वो पैसे मैंने चुराए? बता सीधी तरह, बता पैसे कहाँ हैं? आप ये क्या कर रही है माँ? मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। क्या बोली तू? मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत मारो। एक तो तुझे ही पालना भारी पड़ रहा था, और ऊपर से अब एक और मुंह आ रहा है खाना खाने के लिए। सुन मेरी, जब तक दहेज के बाकी की रकम नहीं लेके आएगी, तब तक ये बच्चा पैदा नहीं होगा। या तो पैसे ले आ, वरना ये बच्चा तुझे गिराना होगा, समझी? तो आप ऐसा कैसे बोल सकती है? आप भी तो माँ है ना। मैं सिर्फ पैसे की भाषा समझती हूँ, समझी? सु ये क्या मजाक लगा रखा है तुम दोनों ने? मैं काम संभालो या घर? ये माँ भी ना अब तक बच्चा समझती हम लोगों को, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उन्हें। लेकिन I'm pregnant, राहुल। क्या? अरे ये तो खुशी की बात है पगली। माँ ने बोला कि वो बच्चा गिरवा देंगी। तो ये तेरा और मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे गिरवा देंगे? कपूर साहब, नमस्ते। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? आप ही का इंतजार कर रही थी। नमस्ते। आइए। और सब कैसे हैं? बढ़िया जी। हाँ सब कुछ बढ़िया। राहुल बेटा दिखाई नहीं दे रहा। वो जरा कुछ काम से बाहर गया है। ओ। आ जाएगा। जी जी। तब तक आप चाय ले लीजिए। बहू बेटा चाय तो ले आना। हाँ बस आ रही हूँ माँ जी। अरे रहने दो बेटा, हम कर लेंगे। हाँ आप लीजिए ना पहले। वैसे कपूर साहब ये रिश्ता तो हमें मंजूर है, बस आप ये बताइए कि शादी कब करवानी है। जी हमें तो कोई एतराज नहीं, जवाब गए हैं, लेकिन वो आपकी बहू। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इस लड़की ने तो हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। वैसे आपको दहेज की रकम तो याद है ना, 1 करोड़ रुपए।
आप जरूर आज कुछ ना कुछ एडवांस तो ले ही आए होंगे। जी हाँ, 75 लाख, वो तो हम आपको एंगेजमेंट पे देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके लिए एक सौगात लाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आप चाय नाश्ता लीजिए ना, मैं बस अभी आई। जी जी। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा, क्या है? माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? बड़ी खुशी की बात है, मैं अपने बेटे का रिश्ता तय करके आई हूँ कपूर साहब के बेटी के साथ। और पता है, दहेज में वो लोग पूरे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं हमें। और तो और, आज वो मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे ये सोने का हार लेके आए हैं। और तू क्या लाई थी? माँ जी, आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं राहुल की बीवी हूँ, मेरे पेट में उसका बच्चा है। तो अब ये नौबत आ गई है कि मुझे तुझसे पूछ के अपने बेटे की शादी तय करनी होगी। और रही बात बच्चे की, गिरा देना डिवोर्स केस के मामा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस माँ जी, बहुत हो गया। ना तो मैं राहुल की दूसरी शादी होने दूंगी और ना ही आप इस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक सकती है। बहुत जबान चला रही है अपनी सास के साथ। बच्चा पैदा करने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं अभी तेरा बच्चा पैदा करती हूँ। चाकू, चाकू दिखा रही है मुझे। चाकू चलाना भी आता है? मैं तुझे दिखाती हूँ चाकू कैसे चलाती है। अब दिखाती हूँ असली ड्रामा। कपूर साहब, ये देखिए, ये पागल लड़की ने क्या कर दिया। कपूर साहब, ये देखिए क्या कर दिया इस पागल लड़की ने। चाकू के साथ मेरा हाथ काट दिया इसने। मैंने नहीं किया, मेरी जान लेने की कोशिश की इस लड़की ने। हाँ जी, अब क्यों झूठ बोले जा रही है? मैं एक मिनट डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुगंधा, क्या क्या तुमने? क्या क्या तुमने? उठ, मेरी माँ की जान लेनी चाहिए। नहीं राहुल, मैंने नहीं मारा। राहुल क्या कर रहे हो? मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है तो मेरी माँ को चाकू मारेगी? एक बात याद रख, तू भी मेरी माँ की जान को खतरा बचाएगा ना? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, समझी? एक औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी का नहीं बल्कि ऐसे लोगों की नपुंसकता का सबूत है। और उस पर भी एक गर्भवती महिला पर हाथ उठाना तो कतई माफी के काबिल नहीं है। ये कानूनन जुर्म तो है ही, साथ ही साथ ये मानो पूरी इंसानियत का गला घोटने जैसा है। आखिर हो क्या रहा था यहाँ? क्या राहुल और सुगंधा का अपने प्यार पर से विश्वास उठता जा रहा था? इतने अत्याचार क्यों सह रही थी सुगंधा? अगर एक औरत पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, तो ऐसे अपराध को कानून से छिपाना भी तो जुर्म है। और ऐसा करके सुगंधा जाने अनजाने इस अपराध को बढ़ावा ही दे रही थी। शर्म आती है ये देखकर कि हमारे समाज में आज भी लक्ष्मी जैसी औरतें हैं जो दहेज के लिए बहुओं पर अत्याचार करती हैं। और राहुल अपनी माँ की गलती और पत्नी की दलीलों को नजरअंदाज करता जा रहा था, जिसकी बदौलत सुगंधा की मानसिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। आखिर क्या बदा है सुगंधा और राहुल के भविष्य में? सुगंधा बेटा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं माँ, इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। उसे क्या पता कि उसकी अपनी माँ ये सब खेल खेल रही है। और मैं राहुल को अपनी वजह से किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। हाय सु, कैसी हो? रहने दो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारी तबीयत कैसी है? और हमारा बच्चा? ठीक ही है।
यहाँ कम से कम कोई मारता तो नहीं है। देखो सुगंधा, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ना माँ की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए थी। अरे माँ भी ना, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब मुझे क्या पता था माँ मेरी शादी कहीं और करा रही है, और मुझे गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे लगा तुमने माँ को वाकई चाकू मारा है। मैं कैसे भूल गया, मेरी प्यारी सू ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे और एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज। ठीक है राहुल, सुगंधा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। आई लव यू। सुगंधा, हमें एक बहुत प्यारी सी और खूबसूरत बेटी हुई है, और लड़की एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल तुम पर गई है। वो है का, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत जल्द मिलो। वो घर पर है माँ के पास, और लड़की को मिलने की कीमत और दहेज की कीमत मिलाकर बनते हैं 20 लाख। माँ जी ने फिर से दहेज मांगा। माँ ने फिर दहेज मांगा? तेरी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूं सू। माँ नहीं, माँ और मैं हमेशा से एक साथ थे। मैंने तुम्हें अपनी प्यार के जाल में फंसाया, सोचा कि एक लौती बेटी हो अपने माँ बाप की तो थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा तो दहेज तो ले ही आएगी, लेकिन तुम बड़ी ढीठ निकली। देख तुम उसे क्या करवा रही है, मुझे शर्म आती है अपनी बेटी का किडनैप करते हुए। मगर मैं क्या करूं सू, मैं भी जिद्दी हूं ना। पर ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब तक दहेज के पैसे नहीं मिलेंगे ना, तब तक तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगी। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये हमारा बच्चा है। बस तुम जितना यहाँ बकबक और चिल्लाने में टाइम वेस्ट करोगी ना, वहां तेरी बेटी उतनी ही चीखेगी और चिल्लाएगी। ऐसा मत करो राहुल, ये हमारा। बस अभी हम तभी बात करेंगे जब मुझे दहेज की 20 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी। गुड लक। राहुल, राहुल, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप राहुल खुराना और आप लक्ष्मी खुराना हो? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपके बीवी ने आपके खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट और किडनैपिंग की कंप्लेंट की है। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? इन दोनों ने तो लव मैरिज की है, और लव मैरिज में डाउरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि झूठ बोल रहे इंस्पेक्टर साहब। अब मैं आपको क्या सच्चाई बताऊं सर, जब से ये लड़की मेरे घर पे आई है बर्बाद करके रख दिया है हम लोगों को। ये तो पागल है, सरासर पागल है ये। ये झूठ बोल रही है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, सुगंधा तो मानसिक रूप से बीमार है, अब इसका कैसे भरोसा कर सकते हो? नहीं, ये झूठ बोल रहे। इसने तो कुछ महीनों पहले माँ पर चाकू से हमला किया था, अब आप ही बताइए
ऐसी औरत के साथ मैं अपनी बेटी को छोड़कर उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और तो और, इस औरत के नाजायज संबंध है गैर मर्दों के साथ। बस बहुत हो गया। तुम जैसा घटिया आदमी ऐसी बात सोच सकता है? मुझे मेरी बच्ची दे दो अभी। सुगंधा, झूठी कंप्लेंट करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ या तुम्हें फाइन भी लग सकता है। अभी तो मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे ख्याल रखना। अब आप अपनी बच्ची के पास जा सकती है। राहुल, कड़क। चीयर्स। चीयर्स। मैं चलता हूँ। क्या चल गया यार? ठीक है। थैंक यू। शक्ति, इंस्पेक्टर साहब, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए सर। ये देखिए, उठ उठ। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बच्चन बीवी। सर देखिए इस रूम में क्या ड्रामा चल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, कल रात को चुप ही कर यार। सर, ये कहने के लिए मेरा बचपन का दोस्त है। वाह यार, क्या दोस्ती निभाई है तूने। राहुल, कल रात को तो हम दोनों बाहर बैठ के हम। शक्ति, तुम चुप रहो। मुझे पहले से ही तुम दोनों पे शक था। राहुल बेटा, हो ना हो, जो चोरी हमारे घर में हुई थी ना सर, उसमें भी इन दोनों की मिली भगत है सर। आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप रह, नहीं तो ऐसा फटके देना तुला। मत बराबर का इन तुला। जी मैम। राहुल, ये देख, मिसेस कपूर की बेटी जिसके साथ तेरी शादी तय कर रही हूँ, अच्छी है ना? अब वो सब तो ठीक है माँ, पर ये लड़की ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, और अब मेरी शादी इससे करवाना चाहती हो। ओहो, अब जब इतने पैसे ले ही आ रही है तो एक दो नौकर तो ले ही आएगी साथ में। वो तो ठीक है। एक मिनट। क्या? क्या? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अरे, तूने मेरा इस्तेमाल किया और मेरे पुलिस से भी रिस्क करवाया। शांत हो जा पहले शांत हो जा। क्या शांत हो जाऊं? देख, मुझे माफ कर दे, मुझे बस अपनी बीवी और बेटी से छुटकारा पाना था, इसीलिए ये सब किया मैंने। पहले बताता, अबे तेरा दोस्त हूं, मदद करता तेरी। क्या छोड़, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। 4 लाख। 4 लाख? सही सुना। तू तो बड़ा लालची निकला यार। दोस्त हूं तेरा, लालची तो होगा। वो बात भी सही है। चल पैसे निकाल। चल आ जा, देता हूं तुझे। यार राहुल, अगर तुझे दूसरी शादी करनी थी तो पहले बता देता। क्या मतलब है तेरा?
खन्ना साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मेरे क्लाइंट भी, उनकी एक बेटी है और वो दहेज में पूरे 5 करोड़ देने के लिए तैयार है। 5 करोड़? उनकी एक प्रॉब्लम है, उनकी बेटी का 3 बार डिवोर्स हो चुका है। 5 करोड़ के लिए तो मैं डील पक्की। रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई कपूर साहब? अरे नहीं बहन जी, बिल्कुल ठीक से आए। लीजिए पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं बहन जी, लड़की वाले हैं तो। माना कि आपके बेटी का होने वाला ससुराल है, लेकिन फिर भी कुछ तो लीजिए ना। अरे हाओ राहुल बेटा। कपूर अंकल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? कपूर अंकल, आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ कहो बेटा। वो क्या है कि मैं आपकी बेटी से एंगेजमेंट नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मुझे 5 करोड़ मिल रहे हैं खन्ना साहब की बेटी के साथ शादी करने के लिए। अब आप ही बताइए, क्या आप मुझे दे सकते हैं 5 करोड़? लेकिन बेटा मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? वही तो बात है ना कपूर अंकल, बात 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की। आप अपनी मजबूरी को तो समझो। हाय शक्ति। हाय राहुल। खन्ना अंकल आपके का इंतजार हो रहा था। कैसे बेटा? बहुत अच्छा। मेरी पत्नी, मेरी बेटी। कपूर साहब मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आजकल के जमाने को देखते हुए जिसकी मोटी बैग होगी उसी की बेटे के साथ मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। अरे बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा बेटा। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी तुम भूखों के घर में। और मिस्टर खन्ना आप भी बच के रहिए इन लोगों से। नहीं, ये दहेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे इन्होंने अपनी बहू पर कितने अत्याचार किए, उसे मारा पीटा बदनाम किया। अरे बेचारी वो तो प्रेग्नेंट थी, फिर भी इन लोगों ने धक्के देके घर से निकाल दिया। क्या बकवास कर रहे कपूर अंकल, आप जाइए यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ राहुल, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा वो भगवान देगा। मेरी शराबत का फायदा मत उठाइए, जाइए यहाँ से। चलो बेटी। मिस्टर खन्ना, आई नो ये सिचुएशन थोड़ी वियर्ड होगी। खन्ना साहब, ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है। आप बैठिए ना, आइए आइए। राहुल बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी के बारे में क्या कह रहा था? वो डोंट वरी खन्ना अंकल, मैंने उसे छोड़ दिया। तो वो तो पागल थी। नहीं राहुल, मैं पागल नहीं हूँ। भाई साहब आप कुछ चाय नाश्ता लीजिए, बस मैं अभी आई। तुम्हारी शादी टूटने की खुशी मनाने। आप बकवास कर रही हो? हाँ, ये खेल मैंने और शक्ति ने मिलके खेला था। शक्ति ने? शक्ति ये क्या बोल रही है? हाँ राहुल, सुगंधा एकदम सही बोल रही है। इसकी मदद लेकर तूने ऐसा प्लान बनाया था? क्या रुकेगी मेरी शादी से? हाँ तो मैं तुम्हें दूसरी शादी करने दूंगी और ना ही किसी से दहेज लेने दूंगी और ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी मिस्टर राहुल खुराना। अच्छा तो इसके पैसे क्या कर रहे राहुल? छोड़ो मेरा बच्चा। मैं इस बेटी की शान ले लूंगा। ये लड़की और तू निकल अपनी नौटंकी पार्टी को लेकर। 5 करोड़ देंगे फड़े आए। बस बस राहुल, राहुल शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने ही बनाए हुए षड्यंत्र में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। तूने अभी भी कन्फेस किया है ना कि ये सब कुछ तूने रचा है। ये जो बाहर परिवार बैठा है ना, ये कोई खन्ना वन्ना नहीं है। बाहर इंस्पेक्टर पाटिल बैठे हैं जिन्होंने हमारी मदद करने के लिए अग्री किया था। पाटिल साहब, तुम्हारा सारा नाटक खत्म हो गया मिस्टर राहुल। चल बेटे, बच्चा माँ को हैंड ओवर कर। बच्चा माँ को हैंड ओवर कर। शादी करनी है, चल कराते हैं। चल छोड़ दो मुझे। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अपने वकील से बात करके यूं छूट जाऊंगा। पुलिस वाले को कानून सिखाता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बच्ची के साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू सो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इंस्पेक्टर ले चलो इन्हें। चल चलो चलो।
राहुल और लक्ष्मी को घरेलू हिंसा और दहेज मांगने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। अरेंज्ड हो या लव मैरिज, सावधानी हमें एक सी ही बरतनी चाहिए। शादी से पहले अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जान ले और उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ले, क्योंकि प्यार भले ही अंधा हो, शादी आंखें खोलकर करनी चाहिए। प्यार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है और यही सुगंधा के साथ हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जो जो जुल्म बढ़ता गया उससे लड़ने की उसकी हिम्मत भी उतनी ही बढ़ती गई और आखिरकार उसने खुद को इस अत्याचार से मुक्त करवा ही लिया। सुगंधा के इस हौसले को सावधान इंडिया सलाम करता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया। फाइट बैक नाउ।